देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हुआ आपके साथ विषय। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से बड़ी खबर मिली है, जहां अपहृत पूर्व सहायक आरक्षक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। नक्सलियों ने हत्या कर चेरपाल में शव फेंका, चाकुओं से गौतकर हत्या की थी और नक्सलियों ने पूर्व सहायक आरक्षक को बंधक बनाया था। बीजापुर गंगालूर मार्ग से अपहरण किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रही है जहां नक्सलियों ने पूर्व सहायक आरक्षक को बंधक भी बनाया था, बीजापुर गंगालूर मार्ग से अपहरण किया था। तो सहायक आरक्षक की हत्या कर दी गई है नक्सलियों द्वारा और शव को किस तरीके से सड़क पर फेंक दिया था उसके बाद की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ त्वरा से बता पवन दुर्गम फोन लाइन पे जुड़ गए। पवन, क्या और जानकारी मिल पा रही है? पुलिस मौके पर पहुंची है, कौन कौन जांच के लिए वहां पर पहुंचा है? जी आपको बता दो, कल अपहरण करके इनको ले जाया गया था और इनकी पत्नी जो है पूरी देर रात जंगलों की खाक छानती रही इनको ढूंढने के लिए, वो नहीं मिले। अभी जब इनकी हत्या कर शव को चेरपाल सड़क पर फेंका गया है, उसकी जो पत्नी है वो थाने में अपहरण का मामला दर्ज करा रही थी और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो परिजन है जिनके माध्यम से हम तक जानकारी आई, उन्होंने बताया कि चाकू से उनको गोद कर उनकी हत्या की गई है। उनकी पत्नी जो है वो पंचायत में सरपंच प्रत्याशी थी, उनका प्रचार करने गए हुए थे, वहां से कल इनका अपहरण किया गया था। और एसपी से हमारी बात हुई तो अभी आधिकारिक पुष्टि इनकी नहीं की जा रही है और पुलिस का कोई भी दस्ता वहां अभी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अधिकारी ने कहा कि हम भेज रहे हैं और तहकीकात करा रहे हैं। जी पवन, साथी आपसे जानना चाहेंगे, हत्या तो बाद में की गई है, अपहरण पहले हो गया था और कितना समय हो चुका था अपहरण को, पुलिस इस पूरे केस को कैसे देख रही थी, जांच कैसे कर रही थी? जी देखिए, ये जो एरिया है चेरकंची कड़ेनार वो पूरी तरीके से जंगली इलाका है, वहाँ माओवादियों की का पैक है, उनकी तूती बोलती है। कल जब वो इसको अपहरण करके ले गए तो घने जंगलों में उन्होंने रखा होगा और आज क्योंकि पंचायत चुनाव है, आज बीजापुर ब्लॉक में मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं नक्सली जो है मतदान के दौरान जो हिंसा है वो करने की कोशिश करते हैं और चुनाव का वो बहिष्कार करते हैं, तो इसके पूरे मद्देनजर कहीं ना कहीं ये जो हत्या की घटना को जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दिया है और जिसको मारा है वो पूर्व आरक्षक रह चुका है, वो पुलिस को सीधा दुश्मन नक्सली मानते हैं और उनकी हत्या करने से चूकते नहीं है। जी आपने पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की, क्यों अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा है और अधिकारियों का इस पर क्या कहना नजर आया है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले सूचना आई है जहां चेरपाल में इनकी हत्या कर शव को फेंका गया है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली अब वहां के लिए टीम को भेजी जाएगी और वहां जो कुछ है वो जांच की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन परिजनों से और हमारे जो सूत्र हैं वो पुष्टि कर रहे हैं कि वहां हत्या हो चुकी है, लेकिन अधिकारी है इसको आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहे जब तक इनका कोई टीम वहां पर जाकर उसकी जांच नहीं कर लेता। जिक्र किया कि परिजन अपहरण की शिकायत करने के लिए जा ही रहे थे और इस बीच उन्हें ये खबर मिली कि नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है पूर्व सहायक आरक्षक को, लेकिन परिजनों ने न्याय को लेकर जो अब तक देख रहे थे वो कि क्यों ढुलमुल रवैया अपना रहा है प्रशासन कार्रवाई को लेकर या उनकी सुनवाई करने को लेकर या इस मामले में जल्द कोई एक्शन लेने को लेकर, परिजन क्या कह रहे हैं इस पर? जी देखिए, परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने नक्सलियों से भी अपील की थी कि वो सहायक आरक्षक हैं, पूर्व सहायक आरक्षक हैं, उनको छोड़ दें, लेकिन आपको बता दूं बुसरा वो जो इलाका है जहां नक्सलियों ने कल इनका अपहरण किया था वो पूरी तरीके से जंगली इलाका है और ऐसे इलाके में पुलिस आमतौर पर रात में गश्त नहीं निकलती है, एरिया डोमिनेशन पर बहुत कम ही निकलती है क्योंकि नक्सलियों के टारगेट होने का उनको डर रहता है। ऐसे में जब अपहरण की सूचना खबर आज दर्ज कराई जा रही थी रिपोर्ट थाने में, तो फिर जो पुलिस है वो यहाँ पे कार्रवाई के लिए निकलने वाली थी, उसी दौरान उनके मौत की खबर जो है वो निकल कर आई। चलिए पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।